नमस्कार बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। समुद्र के गुप्त इंटरम फिगर्स इन द जीनियोलॉजीज ऑफ ग्रेट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज सन चंद्रगुप्त टू। जो समुद्रगुप्त जो हुक्मरान था एक, वो भी उसको लास्ट में उसको भी जो उसके एंसेस्टर्स थे, जो उसके दादा परदादा थे, उन उस जो वो जो लिस्ट थी उसमें उसको उसका जगह मिली, और उसके बेटे को भी चंद्रगुप्त टू को। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस, हम उसके बारे में जानते हैं इंस्क्रिप्शंस और जो सिक्के थे उनसे। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास। उसने जो वेस्टर्न इंडिया इंडिया में उसने एक अभियान चलाया था जहाँ पर उसने जो लास्ट ऑफ द शाकास पे क्या कर लिया था, उसने जीत लिया था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव, वो जो बाद में जो ये ऐसा यकीन था या माना जाता था, हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न्ड पीपल, जो उसका कोर्ट था वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था, इंक्लूडिंग कालिदास द पोइट, जिसमें कालिदास भी थे जो एक मशहूर पोइट या कवि थे, एंड आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर, और मशहूर आर्यभट्टा जो एस्ट्रोनॉमर थे, अबाउट होम यू विल रीड मोर इन चैप्टर 11, जिनके बारे में आप चैप्टर 11 में ज़्यादा पढ़ोगे। हर्षवर्धन एंड हर्ष चित्ता, वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम दियर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं जो गुप्ता रूलर थे, जो गुप्ता हुक्मरान थे, उनके बारे में हम इंस्क्रिप्शंस या कॉइंस के से बारे कॉइंस से उनके बारे में हम जान सकते हैं। वी कैन फाइंड अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफी, कुछ और हम कुछ जो बादशाह थे उनके बारे में, हम जो उनकी बायोग्राफी से जो उनकी ज़िंदगी के ऊपर किताबें लिखी गई थी उसके बारे में पढ़ उनसे हम जान सकते हैं। हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो, हर्षवर्धन जिसने लगभग 1400 साल पहले राज किया था, वाज वन सच रूलर, वो भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसके बारे में हम उनकी बायोग्राफी से पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। हिज कोर्ट पोइट बानाभट्टा, जो उसका जो पोइट था बानाभट्टा, रोट हिज बायोग्राफी, जिसने उसकी ज़िंदगी की पे किताब लिखी है, द हर्ष चित्रा, जिसका नाम क्या था, हर्ष चित्रा इन संस्कृत, जो संस्कृत भाषा में या संस्कृत जबान में लिखी गई थी। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा, जिसकी वजह से हम हर्षा की जो जीनियोलॉजी है, जो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स है, वो मिल सकता है। एंड एंड्स विद हिज बिकम किंग और बिकमिंग किंग, और वो ख़त्म होती है कि उसके राजा बनने के साथ ही वो ख़त्म होती है। हुआन जैंग, अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 9, हुआन जैंग जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, ऑल्सो स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्षाज कोर्ट एंड लेफ्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा, वो भी हर्षा के कोर्ट में काम करता था और उसने बहुत सारे जो डिटेल्ड अकाउंट थे, डिटेल जो जानकारी है जो उसने वहाँ पर छोड़ दी थी, जो उसने देखा था। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्षा की जो अपने बेटे का बड़ा अपने बाप का बड़ा बेटा नहीं था, बट बिकम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, लेकिन वो थानेसर का बादशाह बन गया उसके पिताजी और उसके बड़े भाई के मरने के बाद। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज अ रूलर ऑफ कन्नौज, उसके जो ब्रदर इन लॉ थे, उसके जो साला था वो किसका हुक्मरान था, कन्नौज का था, एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और वो रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा मारा गया था। हर्षा टुक ओवर द किंग ऑफ कन्नौज, हर्षा जो था उसने फिर जो कन्नौज की जो साम्राज्य था उसको भी उसने टुक ओवर कर लिया, उसको भी उसने अपने साथ मिला लिया, एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और उसने फिर जो आर्मी भेज दी, जो रूलर ऑफ बंगाल के हुक्मरान थे उनकी तरफ अपनी आर्मी भेज दी। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, जबकि वो ईस्ट में सक्सेसफुल था, एंड कन्क्वर्ड बोथ मगधा एंड बंगाल, और दोनों को मगधा और बंगाल को उसने जीत लिया। ही वाज नॉट ए सक्सेसफुल एल्सवेयर, और लेकिन वो कहीं और पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहीं और पे सफल नहीं हुआ। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन, उसने कोशिश की थी वो नर्मदा नदी को क्रॉस करे और कहाँ पहुँच जाए, डेक्कन में, बट वॉज स्टॉप्ड बाई रूलर, लेकिन उसको एक हुक्मरान ने रोक दिया, belonging to the Chalukya dynasty, जो किस खानदान से का था, Chalukya खानदान का था, Pulakeshin 2, जिसको क्या बोलते हैं, Pulakeshin 2। तो थैंक यू बच्चों, आज के चैप्टर में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।